हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं अटैक एंड ऑक्यूपाई मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 17 है। जिस पर्सन ने सेन को ईमेल किया है उसने एक वीडियो भी भेजा है। उस वीडियो में निंग सेन को बोलता है, तुम मत सोचो कि मुझे पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो। तुम हान के साथ रहने का सपना देख रहे हो। शायद उसे पता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत सालों से खेल रहा हूँ। ये वीडियो देख के सेन सोचता है, उसने हान के बारे में मेंशन क्यों किया है। मैं युआन युआन हूँ। ये सब सोच के उसके सर में दर्द होने लगता है। उसे याद आने लगता है कि वो जल रहा है। तभी निंग उसे कॉल करता है। सेन लेट में कॉल पिकअप करता है। निंग उसे पूछता है, क्या तुम अभी ऑफिस में हो? तुम कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? सेन कोई रिप्लाई नहीं देता है। निंग उसे पूछता है, तुम्हें लंच में क्या चाहिए? मैं मार्केट से वापस जा रहा हूँ। मैं खाना बना के तुम्हें पहुँचा दूंगा। सेन उसे पूछता है, निंग हम दोनों पहले कहाँ मिले थे? ये सुन के निंग का हाथ से शॉपिंग बैग गिर जाता है एंड वो घबराने लगता है। सेन उसे बोलता है, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? निंग भागते हुए पार्किंग लॉट की तरफ जाता है एंड उसे पूछता है, क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? तुम्हें नॉनसेंस बातों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। हम दोनों पहली बार अम्यूजमेंट पार्क में मिले थे, जहाँ पे मो खेल रहा था। क्या तुम्हें याद नहीं है? सेन बोलता है, पर तुम कह रहे थे मैं किसी से मिलता जुलता हूँ। ये बोल के सेन के हाथों से फोन नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके सर में बहुत दर्द हो रहा है। निंग उसे पुकारता है, पर सेन कोई रिप्ले नहीं देता है। इसीलिए वो कार से तुरंत उसका ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में वो सेन का असिस्टेंट को पूछता है, उसे क्या हुआ है? असिस्टेंट बोलता है, सेन ने ऑफिस का डोर लॉक कर दिया है। कोई भी उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा है। आज उन्हें एक मीटिंग पे भी जाना है। निंग पूछता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है? असिस्टेंट बोलता है, किसी ने सेन का फोटो सारे एम्प्लॉय को ईमेल कर दिया है। असल में वो फोटोज एडिटेड है। ये सुन के निंग परेशान हो जाता है। वो तुरंत डोर तोड़ के केबिन के अंदर घुस जाता है। वो देखता है सेन के सामने टूटा हुआ ग्लास है। वो सेन को पूछता है, तुम्हें चोट कैसे लगा? सेन उसे बोलता है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। निंग उसे बाहों में उठाते हुए असिस्टेंट को बोलता है, जल्दी से कार निकालो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। निंग सेन को कार में बिठा देता है एंड उसे बोलता है, मुझे पता है मैं गलत था। अगर तुम मुझे हेट करते हो देन तुम मुझे हिट कर सकते हो या फिर तुम मुझे गाली दे सकते हो, पर तुम खुद को परेशान मत करो। निंग असिस्टेंट को फास्ट ड्राइव करने के लिए बोलता है। रास्ते में कार का टक्कर बस के साथ हो जाता है। सेन को बचाने के चक्कर में निंग के बैग में एक रोड घुस जाता है, पर वो सेन को बोलता है, इस बार मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट कर ही लिया। देन हमें दिखाया जाता है सेन को हॉस्पिटल में होश आता है। हान डॉक्टर को पूछता है उसका कंडीशन कैसा है। डॉक्टर बोलता है, ज्यादा एक्साइटेशन की वजह से उसके पुराने घाव से ब्लीडिंग होने लगा था, पर फॉर्चुनेटली उसे सही समय पे यहाँ पे लाया गया। वो अभी खतरे से बाहर है। हान बोलता है, यह अच्छी बात है। डॉक्टर बोलता है, उसका मेंटल कंडीशन ज्यादा दबाव सहन नहीं कर पाएगा। क्या आप उसके फैमिली मेंबर हैं? हान बोलता है, मैंने उसका ध्यान सही से नहीं रखा। मैं फ्यूचर में उसका ध्यान जरूर रखूंगा। सेन बोलता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। हान उसे पूछता है, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? क्या तुम ठीक हो? तुम 3 दिनों से अनकॉन्शियस थे। तुम्हें भूख लग रहा होगा। तुम क्या खाना चाहते हो? सेन बोलता है, कुछ भी चलेगा। हान बोलता है, ठीक है मैं लेके आता हूँ। देन हान खाना लेने के लिए बाहर चला जाता है। सेन को याद आता है निंग ने उसे किस तरह से टॉर्चर किया था। सेन गुस्से से निडिल निकाल देता है। ये देख के नर्स बोलती है, तुम इस तरह निडिल नहीं निकाल सकते। सेन बोलता है, मेरा डिस्चार्ज पेपर रेडी कीजिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। नर्स बोलती है, शायद आपको इसके बारे में अपने लवर से बात करना चाहिए। जब आप अनकॉन्शियस थे वो आपका ध्यान रख रहा था। ये सुन के सेन बोलता है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप निंग या हान के बारे में बात कर रहे हैं? देन वो रोते हुए बोलता है, मुझे उसकी वजह से कितना सफर होना पड़ा था।
नर्स बोलती है, सर आपको क्या हुआ है? सेन बोलता है, कुछ भी नहीं, आपको अपना काम करना चाहिए। नर्स बोलती है, कार एक्सीडेंट के दौरान दो लोगों को हॉस्पिटल लाया गया था, दूसरा पर्सन सीरियसली इंजियोर्ड है। जब आप अनकॉन्शियस थे उसने आपका हाथ कस के पकड़ा था, क्या आप उससे नहीं मिलना चाहते हैं? ये सुन के सेन बोलता है, नहीं मैं उससे नहीं मिलना चाहता हूँ। नर्स बोलती है, पर तभी हान आके बोलता है, नर्स आप कुछ ज़्यादा ही आगे जा रही हैं। हान सेन को खाना खिलाता है। सेन सोचता है, मुझे पहले का कुछ भी याद नहीं है, पर मुझे हान को एज ए फ्रेंड कंसिडर करना चाहिए। तभी निंग के डैड आके बोलते हैं, तुम दोनों क्लोज लग रहे हो। हान उन्हें पूछता है कि आपको क्या चाहिए। निंग के डैड सेन को बोलते हैं कि तुम्हें बचाने के दौरान निंग को बहुत ज़्यादा चोट लग गया है, डॉक्टर ने कहा है कि उसका कंडीशन ठीक नहीं हो रहा है, उसे जीने के लिए स्ट्रॉन्ग विल की ज़रूरत है, अब तुम होश में आ गए हो, तुम उससे मिल लो। सेन बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा। निंग के डैड बोलते हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर निंग ने तुम्हें बचाया नहीं होता तो तुम उसकी जगह पे क्रिटिकल कंडीशन में रहते। सेन बोलता है, क्या मैंने उसे कहा था मुझे बचाने के लिए? अंकल आप भूल रहे हैं, आपके बेटे ने मेरे साथ पास्ट में क्या किया था, ये सब मेरी गलती नहीं है। जब उसने मुझे बैडली ट्रीट किया था तब मैंने आपसे हेल्प मांगा था, पर आपने मुझे फेट को एक्सेप्ट करने के लिए कहा था। निंग के डैड बोलते हैं, पर निंग मेरा बेटा है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सेन बोलता है, आपने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? अगर इस बार निंग को कुछ हुआ देन ये सब उसकी गलती की वजह से होगा। ये सुनके उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हान सेन को पूछता है, क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया? सेन कोई रिप्लाई नहीं देता है। वो निंग को याद करने लगता है एंड सोचता है, क्या वो पहले का निंग है? उसने मुझे क्यों बचाया? अच्छा होता हम दोनों एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रखते। देन हमें दिखाया जाता है नींद ठीक हो गया है। वो सेन के लिए वाटरमेलन लेके जाता है। सेन बोलता है, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मुझे ये नहीं चाहिए। निंग बोलता है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेके आऊं? सेन बोलता है, मुझे जो चाहिए तुम उसे वापस नहीं कर सकते, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ। तुम्हें देख के मुझे पास्ट के बारे में याद आता है जो मुझे बहुत पेनफुल लगता है। निंग वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो सेन को बोलता है, मैंने कल सुबह के लिए ब्रेकफास्ट बना के फ्रिज में रख दिया है, तुम खाली पेट घर से बाहर मत निकलना। सेन बोलता है, मैं खाना ऑर्डर कर सकता या फिर रेस्टोरेंट में खा सकता हूँ। घर से बाहर निकल के नींग जोर से कफ करने लगता है, लगता है उसका तबीयत ठीक नहीं हुआ है। एक दिन सेन अपना असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल जाता है। सेन बोलता है, नींग को क्या हो गया है? उसने मुझे अचानक से हॉस्पिटल क्यों बुलाया है? सेन को देख के नींग खुश हो जाता है। देन वो कफ करने लगता है। ये देख के सेन बोलता है, तुम अब किस तरह का एक्ट कर रहे हो? तभी निंग का लॉयर सेन को बोलता है, निंग लास्ट स्टेज कैंसर में है, उसने डिसाइड किया है कि वो अपना सारा प्रॉपर्टी तुम्हें दे देगा। पर सेन उन डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न करते हुए बोलता है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर उसके पास इतना पैसा है देन वो चैरिटी में दान कर सकता है। देन वो निंग को बोलता है, तुम प्रिटेंड करना बंद करो, मैं अगेन बुद्धू नहीं बनने वाला हूँ। तुम कैंसर के लास्ट स्टेज में हो ना, मैं विश करता हूँ कि तुम्हारा आफ्टर लाइफ का जर्नी स्मूथ रहे। ये बोल के सेन वहाँ से जाने लगता है। निंग भी उसके पीछे जाने के लिए बेड से नीचे उतरने लगता है। असिस्टेंट उसे रोकते हुए बोलता है, आपका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको इस तरह मूव नहीं करना चाहिए। ये सुन के सेन सोचने लगता है, निंग हमेशा से अच्छा एक्ट करता है, पर इस बार ये सब रियल लग रहा है, क्या उसे सच में कैंसर हुआ है? देन वो सोचता है, सेन क्या तुम भूल गए उसने तुम्हें पास्ट में कितना टॉर्चर किया था? हॉस्पिटल में सेन दो नर्स की बातें सुनता है। एक नर्स बोलती है, हालांकि वो रिच है पर क्या वो लास्ट स्टेज कैंसर से बच पाएगा? दूसरी नर्स बोलती है, ये कितना दुख की बात है, मैंने सुना है कि वो 30 साल का भी नहीं है। ये सुन के सेन सोचता है, तो निंग सच बोल रहा था, पर मैं सॉफ्ट हार्टेड नहीं बन सकता। सेन अपने कार के पास जाता है, वहाँ पे वो मुंह को देखता है, मुंह रो रहा होता है।
वो रोते हुए सेन को बोलता है, डैडी मर जाएंगे, देन मेरे पास और कोई डैडी नहीं रहेगा। सेन बोलता है, तुम्हें ये सब किसने बताया? मो बोलता है, ग्रैंडपा एंड घर के स्टाफ मेंबर ने कहा था, मैंने उनकी बातें चुपके से सुन लिया। सेन बोलता है, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। सेन सोचता है, अगर निंग मर जाएगा तो क्या मो को मेरी तरह रहना पड़ेगा जैसे मैं पास्ट में था? सेन उसे पूछता है, घर के स्टाफ मेंबर कहाँ पे हैं? क्या तुम खुद से यहाँ पे आए हो? मो बोलता है, मैंने आपका कार देखा, इसीलिए मैं यहाँ पे आपका वेट कर रहा था। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाइए। सेन बोलता है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, पर पहले मुझे तुम्हारे फैमिली से बात करना होगा। हम दोनों का कार में अकेले सफर करना ठीक नहीं है, हम टैक्सी से घर जाएंगे। मो बोलता है, मो अच्छे से बिहेव करेगा ताकि मैं डैडी के साथ रह सकूं। दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं। मो सेन को पूछता है, क्या डैडी सच में मर जाएंगे? सेन बोलता है, नहीं, तुम्हें दूसरों की बातें नहीं सुनना चाहिए। सेन सोचता है, मैं निंग को हेट करता हूँ, पर मैंने कभी सोचा नहीं कि उसके बगैर मैं कैसे रहूँगा। इधर बॉडीगार्ड निंग को बोलता है, सेन ने मैसेज किया है कि मो उसके साथ है। निंग बोलता है, ठीक है, उसे कुछ दिनों के लिए वहाँ पे रहने दो। निंग सोचता है, मुझे अच्छा लगा कि सेन उसका केयर कर रहा है। कुछ देर के बाद यान निंग के पास आता है एंड बोलता है, तुम बीमार कैसे पड़ सकते हो? मुझे यहाँ पे रुकने दो तुम्हारा केयर करने के लिए। निंग बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यान बोलता है, सेन के आने से पहले हम दोनों ठीक थे। निंग बोलता है, इससे सेन का कोई लेना देना नहीं है। तभी निंग कफ करने लगता है। यान उसे संभालता है, पर निंग उसे चले जाने के लिए बोलता है। यान रोते हुए बोलता है, तुम इतने बीमार पड़ गए हो, पर सैम ने तुम्हारे बारे में नहीं पूछा, क्या तुम उसे अभी भी लाइक करते हो? निंग बोलता है, हाँ, मेरे दिल में बस वही है। नेक्स्ट डे निंग रेडी होने लगता है बाहर जाने के लिए। बॉडीगार्ड उसे बोलता है, मास्टर आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर ने कहा है आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। निंग बोलता है, डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी के बाद भी मेरा इलनेस ठीक नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे रह के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये बोल के वो बाहर चला जाता है। इधर सेन एंड मो को दिखाया जाता है, वो दोनों पार्क में हैं। उन दोनों को साथ में देख के निंग रोते हुए सोचता है, मेरे मरने के बाद एटलीस्ट दोनों एक साथ रहेंगे, हालांकि मैं उनके हैप्पीनेस में शामिल नहीं हो सकता। निंग का असिस्टेंट बोलता है, आपने लॉयर को जो काम करने के लिए बोला था वो कंप्लीट हो गया है। निंग पूछता है, उसने क्या कहा? असिस्टेंट बोलता है, अगर आप सब कुछ इनहेरिटेंस करना चाहते हैं तो आपको इस पेपर पर सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर करने के बाद निंग अगेन कफ करने लगता है। पप का साउंड सुन के सेन उस तरफ देखने लगता है, पर निंग तुरंत वहां से भाग जाता है। देन वो दोनों मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं। वहां पे मो कॉफी का डब्बा देखते हुए रोने लगता है, क्योंकि उसे कॉफी से निंग का याद आता है। मो बोलता है, डैड को कॉफी पसंद है। सेन उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलता है, क्या तुम डैड को मिस कर रहे हो? मो बोलता है, डैड बीमार है। उसे गोदी में लेते हुए बोलता है, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। मो बोलता है, मुझे डैडी चाहिए। ये सुन के सेन उसे हग कर लेता है। मो बोलता है, मुझे डैडी एंड अंकल दोनों चाहिए, मैं इसके लिए आइसक्रीम खाना भी छोड़ दूंगा। सेन सोचता है, मो अभी बहुत छोटा है, उसे ये सब अभी से फेस करना पड़ रहा है। सेन उसे बोलता है, तुम रोना बंद करो, अंकल तुम्हारे लिए घर जाके केक बनाएंगे। मो ओके बोलता है। तभी मो बोलता है, मैंने अभी डैडी को देखा। सेन उस तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने किसी और को डैडी समझ लिया होगा। सामान खरीदने के बाद सेन बोलता है, हमने केक बनाने के लिए सारा सामान खरीद लिया है, अब चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए केक बना दूंगा। ये सुन के मो खुश हो जाता है। तभी पीछे से यान सेन पे नाइफ से अटैक करता है, पर बीच में निंग आ जाता है, इसकी वजह से निंग को चोट लग जाता है। सेन चिल्ला के एम्बुलेंस बुलाने के लिए बोलता है। निंग सेन को बोलता है, मुझे माफ कर दो। सेन उसे बोलता है, तुम्हें चुप रहना चाहिए, एम्बुलेंस आता ही होगा। निंग बोलता है, मुझे बोलने दो, मुझे डर है कि फ्यूचर में मुझे कोई मौका नहीं मिलेगा।
तभी मो यान को पुश करते हुए बोलता है, तुम विलन हो, तुमने मेरे डैड को हर्ट किया। यान सोचता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। मो निंग के पास रोते हुए जाता है। सेन मो को बोलता है, तुम ज्यादा परेशान मत हो, डैड ठीक हो जाएंगे। यान बोलता है, तुमने उसे क्यों बचाया, क्या तुम भूल गए तुमने क्या कहा था। तुमने कहा था कि तुम मुझे अच्छे से ट्रीट करोगे, हालांकि हमारा बैकग्राउंड अलग है। पर निंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। वो सेन को बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों को फॉलो नहीं करना चाहता था, मुझे बस तुम दोनों को देखना था ताकि मैं शांति से मर सकूं। सेन बोलता है, नॉनसेंस बातें करना बंद करो, मो को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उसके साथ रहना होगा बड़े होने तक। तभी वहाँ पे पुलिस आके यान को पकड़ लेता है। यान गुस्से से चिल्ला के बोलता है, सेन ली तुम मर क्यों नहीं जाते, अगर तुम थुआओ फैमिली वापस जाओगे देन इसका कोई फायदा नहीं है। तभी डॉक्टर वहाँ पे पहुँच जाता है एंड बोलता है, फैमिली मेंबर साइड हो जाइए, हमें उनका ट्रीटमेंट करना है। देन सेन यान के पास जाने लगता है एंड उसका चिन पकड़ के बोलता है, मैंने कभी भी तुम्हारे साथ लड़ने का नहीं सोचा था, मैंने हमेशा से विश किया कि वो तुम्हारे साथ रहे ताकि वो मुझे छोड़ दे, पर तुम मेरे पीठ पीछे चाल चलने लगे। यान बोलता है, निंग फैमिली के बगैर क्या तुम्हारे पास एबिलिटी है जियान फाइनेंस चेन को ब्रेक करने का। इधर डॉक्टर निंग के ऊन में पट्टी लगा देते हैं एंड निंग का फैमिली मेंबर को साथ में कार में बैठने के लिए बोलते हैं। सेन मो को बाहों में उठा के वहाँ से जाने लगता है। यान चिल्ला के बोलता है, सेन तुम विलेन हो। देन हमें दिखाया जाता है डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है। निंग के डैड डॉक्टर को पूछता है, मेरा बेटा कैसा है। डॉक्टर बोलता है, फॉर्चुनेटली नाइफ उसके दिल में नहीं लगा, ज्यादा खून बहने की वजह से उसे तुरंत होश नहीं आएगा। सेन सोचता है, हर रात मैं नाइटमेयर से गुजरता हूँ, निंग ने मुझे पर्सन की तरह ट्रीट नहीं किया था, फिर भी मैं ओपनली नहीं कह सकता कि मैं उसे हेट करता हूँ। देन हमें दिखाया जाता है सेन रूम के बाहर है। निंग के डैड बोलते हैं, तुम अभी तक नहीं गए। सेन बोलता है, मैं नहीं जाऊँगा जब तक कि उसे होश नहीं आ जाता। मैं ये गिल्ट की वजह से नहीं कह रहा हूँ, उसने मुझे बचाया है इसीलिए मैं उसे पर्सनली थैंक्स बोलना चाहता हूँ। निंग के डैड वहाँ से जाते हुए बोलते हैं, मुझे इन सब में इंटरफेयर नहीं करना है, तुम्हें जो मन है वो करो। सेन बोलता है, मैं पास्ट के मेमोरी के साथ नहीं रह सकता, जब वो उठ जाएगा मैं ये सिटी छोड़ के चला जाऊंगा। तभी सेन को रूम के अंदर से कुछ साउंड सुनाई देता है। वो तुरंत अंदर जाके देखता है, निंग होश में आ गया है। वो निंग को बोलता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें लेट जाना चाहिए। निंग उसे बोलता है, प्लीज तुम यहाँ से मत जाओ, मैं तुम्हें भीख मांग रहा हूँ। सेन उसे बोलता है, मैं तुम्हें हेट करता हूँ, मैं ऑलरेडी पहले मर चुका हूँ, फिर भी तुम मुझे क्यों अप्रोच करना चाहते हो, क्या तुम मुझे पीसफुल देखना नहीं चाहते। निंग बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मैं भी तुम्हें जाने देना चाहता हूँ, पर मेरे साथ कौन रहेगा, तुम्हें मेरा इलनेस के बारे में पता है। निंग रोते हुए बोलता है, मुझ पे दया करके क्या तुम आखिरी बार मेरे साथ रह सकते हो, मुझे पता है मैं गलत था, मैं अपने पास्ट के पापों को मिटा नहीं सकता, मैं बस तुम्हारा मर्जी चाहता हूँ। ये सुन के सेन सोचता है, क्या ये वही निंग है। वो निंग को बोलता है, ठीक ही है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। ये सुन के निंग उसे थैंक यू बोलता है। उस दिन के बाद से सेन निंग का ख्याल रखने लगता है। एक दिन जब मो एंड सेन सो जाते हैं तब निंग सोचता है, सेन मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। एक दिन डॉक्टर निंग का चेकअप करता है एंड बोलता है, तुम इन 2 महीने में रिकवर हो गए हो, तुम नेक्स्ट वीक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हो। ये सुन के दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। निंग बोलता है, पर मेरा बीमारी का क्या। डॉक्टर बोलता है, जब तुम सीरियस थे तब हमने तुम्हारे ट्यूमर से टिश्यू का छोटा सा टुकड़ा लेके लेबोरेटोरी में टेस्ट किया था। टेस्ट रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये कैंसर नहीं है बल्कि स्वीडो ट्यूमर था। सेन पूछता है, क्या इसका मतलब है उसे कैंसर नहीं हुआ है। डॉक्टर बोलता है, हाँ वैसे ये डिजीज भी जल्दी ठीक नहीं होता है, पर ये इतना डेंजरियस भी नहीं है, वो नेक्स्ट वीक डिस्चार्ज हो सकता है।
ये बोल के डॉक्टर वहां से चला जाता है। सेन निंग को घूरने लगता है। निंग खुद को ब्लैंकेट में कवर करते हुए बोलता है, मैं डॉक्टर के साथ नहीं मिला हूँ। मैं हमेशा से सोच रहा था कि मैं बीमार से मर जाऊंगा। सेन सोचता है, लगता है उसके साथ रहना मेरा फेट है। निंग उसे बोलता है, मैं नहीं मरूंगा, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? सेन बोलता है, तुम खुद को देखो, तुम किस तरह से बिहेव कर रहे हो। ये सुन के निंग उसे सडनली हग कर लेता है। सेन बोलता है, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, तुम अभी तक ठीक से हील नहीं हुए हो। निंग उसका हाथ पकड़ के बोलता है, इस बार प्लीज मुझ पे भरोसा करना, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी प्यार करूंगा। इसके बाद कोई भी चैप्टर रिलीज नहीं हुआ है। लास्ट चैप्टर रिलीज हुआ था अक्टूबर 2023 को। ये मैंगा अभी भी ऑनगोइंग में है। बाकी के चैप्टर बाद में रिलीज होंगे, पर कब रिलीज होंगे इसके बारे में पता नहीं है। शायद रिलीज होने में लेट भी लग सकता है। जब बाकी के चैप्टर रिलीज हो जाएंगे मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करूंगी। इसीलिए फिलहाल के लिए यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।